दोस्तों मेरे चैनल सारिकस कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी ग्रेवी बनाने वाले हैं जिससे आप 50 से भी ज्यादा सब्जियां इंस्टेंटली बना सकते हैं और इससे आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेवी बनाने में लगने वाली कुछ सब्जियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 10 टमाटर लिए हैं। ये हाइब्रिड टमाटर है जो इस तरह से लंबे होते हैं और खाने में ज्यादा खट्टे नहीं होते हैं, और हमें ग्रेवी बनाने के लिए ऐसे ही टमाटर लेने हैं। उसके बाद ये 2 शिमला मिर्च और 1 गाजर। अब इन सारे सब्जियों को हम बड़े टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर को देखिए बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ गैस पर रखी इस कुकर में हम टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर के टुकड़ों को डाल लेते हैं। अब इन सब्जियों के साथ हमें लेने हैं 15 से 20 काजू, 1 इंच अदरक के टुकड़े, 5 से 6 हरी मिर्च और हरे धनिए की कुछ डंडियां। अब इन्हें भी हम कुकर में डाल लेते हैं। कोई भी ग्रेवी बनाना हो तो गरम मसाले तो लगते ही हैं, तो कुछ खड़े मसाले भी मिलाएंगे। तो इसमें जाएगी 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 4 तेज पत्ता, आधा टुकड़ा दालचीनी, 6 बेड़गी मिर्च, 5 लौंग और 1 चम्मच काली मिर्च के दाने। कुकर मेरा पूरा भर गया है क्योंकि मैंने छोटे कुकर का इस्तेमाल किया है, पर कोई बात नहीं, इसमें आसानी से सारी सब्जियां पक जाएगी। अब आधा ग्लास पानी मिला लेते हैं और कुकर को बंद करके 4 से 5 सीटी देकर सारी चीजों को अच्छे से पका लेते हैं। कुकर की 5 सीटी हो गई है तो गैस को बंद कर देते हैं और कुकर को अच्छे से ठंडा होने देते हैं। कुकर के ठंडा होने के बाद कुकर की सीटी उठाकर उसमें बची हुई हवा को हम पहले निकाल देंगे, उसके बाद हम कुकर को खोलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीजें अच्छे से पक गई है और पहले कुकर भरा हुआ लग रहा था, अब सब्जियां पक गई है तो कुकर में अच्छे से एडजस्ट हो गई है। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा गर्म है तो इसे पूरी तरह ठंडा कर लेना है। कुकर को पंखे के नीचे रख देंगे तो जल्दी से सब्जियां ठंडी हो जाएगी, पर उससे पहले इसमें हमने जो खड़े मसाले डाले हैं उसे निकाल देंगे। सब्जियां ठंडी हो गई है तो मिक्सर जार में सारी सब्जियों को ले लेते हैं और अब इसमें हम मिलाएंगे कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप उसे बड़े की मिर्च के साथ कुकर में पकाते समय 3 से 4 डाल सकते हैं। उसके साथ इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी। अब इसे पीस कर हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं। पीसते वक्त इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ग्रेवी के लिए जो पेस्ट तैयार की है उसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है। इस ग्रेवी की खासियत ये है कि इसमें हम प्याज और लहसुन नहीं मिलाने वाले, फिर भी ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। और जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते वो भी इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए इस कढ़ाई में हम लेंगे 1/2 कप तेल। हमें इस ग्रेवी को 8 से 10 दिन तक स्टोर करना है, इसलिए ग्रेवी में थोड़ा तेल ज्यादा लेना है। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म होगा वैसे ही इसमें हम तैयार की हुई पेस्ट मिलाएंगे। मिक्सर जार में थोड़ी पेस्ट छूट गई है तो थोड़ा पानी मिलाकर मिक्स करके कढ़ाई में मिला लेते हैं। अब ये पतला है तो छींटे मारने लगेगा, इसलिए मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है। 5 मिनट पका लेने के बाद ढक्कन हटाकर ग्रेवी को मिक्स कर लेंगे। अभी भी ग्रेवी छींटे मार रही है तो फिर से इसे ढककर 5 मिनट पकाएंगे। ग्रेवी में से तेल छूटने तक हमें इसे पकाना है। 5 मिनट पका लेने के बाद ग्रेवी पर तेल छूट गया है और ग्रेवी गाढ़ी भी हो गई है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ग्रेवी को ठंडा करके किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख देंगे या फिर तुरंत भी सब्जी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से इंस्टेंट ग्रेवी जरूर बनाकर देखें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।